राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में एक दावा हुआ कि ये दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई। अब इसको लेकर स्थानीय अदालत में याचिका दायर की गई। अब इस याचिका से राजस्थान में राजनीतिक और मुस्लिम नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने याचिका को मंजूर करते हुए ASI, अजमेर दरगाह समिति और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया और सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर मुकर्रर की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुगल शासक बाबर और औरंगजेब ने मुगल आक्रमण के दौरान मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। अगर अदालत खुदाई का आदेश देती है तो खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर फैसला होगा। दरअसल कोटा में जब मदन दिलावर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं कहना, कोर्ट निर्णय करेगा। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के संवैधानिक अधिकार पर प्रहार है। उन्होंने कहा, यह दरगाह 12वीं शताब्दी में बनी और इसे 2024 में चुनौती दी जा रही है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास है और भाईचारे के खिलाफ है। यह धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता पर प्रहार है। रफीक खान ने मोदी सरकार पर विभाजन और भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, युवाओं और आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने के बजाय सरकार उन्हें पीछे धकेल रही है और गुमराह कर रही है, क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर से 135 किलोमीटर दूर स्थित अजमेर शहर सुर्खियों में है। यह स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ को शिव मंदिर होने का दावा किया गया। दरगाह शरीफ से जुड़ी एक याचिका अजमेर की स्थानीय अदालत में डाली गई और इसके लिए अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा की 100 साल पुरानी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया गया। इस किताब को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दरगाह शरीफ को शिव मंदिर होने का दावा किया। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ करीब 850 साल पुरानी है। चलिए अब आपको इसके इतिहास के बारे में खुलकर बताते हैं। पूर्वी ईरान के शहर सजिस्तान में 536 हिजरी यानी कि 1143 ईस्वी को जन्मे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ईरान से अफगानिस्तान होते हुए लाहौर पहुंचे। यहां से दिल्ली फिर अजमेर में अपना ठहराव किया और यहां रहकर वो खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। बताया जाता है कि ख्वाजा चिश्ती की दरगाह शरीफ 850 साल पुरानी है। इस दरगाह का निर्माण धीरे धीरे हुआ है। तकरीबन 228 साल तक ये दरगाह कच्ची ही रही। बताया जाता है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुकून की तलाश में दुनिया घूमने के बाद लाहौर पहुंचे और अपने दो चार मुरीदों के साथ वो लाहौर से दिल्ली और फिर राजस्थान के अजमेर आ गए। यहाँ लोगों को शांति और आपसी मोहब्बत का उन्होंने पैगाम दिया। जिस जगह पर ख्वाजा चिश्ती ने इबादत की वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। 1236 ईस्वी रजब के महीने में वो अपने इबादत वाले कमरे में गए। 6 दिन के बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो ख्वाजा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसी कमरे में उनकी मजार बनाई गई और यही जगह ख्वाजा चिश्ती की दरगाह शरीफ है। हर साल रजब के महीने में ख्वाजा चिश्ती की याद में 6 दिन का उर्स मनाया जाता है। सूफी नामा के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ अजमेर के दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित है। दरगाह के पश्चिम में मोहल्ला इंदर कोट है तो पूरब में लंगर खाना बना हुआ है। दरगाह की उत्तर दिशा में बाजार है। दरगाह के दक्षिण में झरना बना है जिसे झालरा कहा जाता है। इससे दरगाह को पानी सप्लाई होता था। दरगाह शरीफ के छोटे बड़े 21 दरवाजे हैं लेकिन 3 दरवाजे उपयोग में हैं। शुरुआती दौर में ये दरगाह छोटी और बिल्कुल सादा थी। सबसे पहले यहाँ खिलजी सलातीन मालवा ने दरगाह का अहाता और गुम्बद वगैरह बनवाया। आईने अकबरी के मुताबिक सन 1561 से 1568 ईस्वी तक सैन्य उद्देश्यों के लिए सम्राट अकबर को अजमेर की दरगाह जाना पड़ा। अकबर को कोई संतान नहीं थी। 1570 में वो ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ पर पहुंचे और वहां बेटे को पाने के लिए दुआ की। उनकी इच्छा सलीम के पुत्र रूप में पूरी हुई। ख्वाजा गरीब नवाज का धन्यवाद करने के लिए अकबर ने आगरा से अजमेर दरगाह तक पैदल चलकर पहुंचे। आगरा से अजमेर चलकर आने में उन्हें 15 दिन लगे। उसी साल अकबर ने दरगाह परिसर में एक शानदार मस्जिद का निर्माण किया। वर्तमान में इस मस्जिद को अकबरी मस्जिद कहते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित मुख्य मेहराब 56 फीट ऊंची है। मस्जिद शाहजहानी को 1640 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने 14 सालों और 2,40,000 रुपये खर्च करके निर्माण करवाया और इस दौर में राजपूत शासक राजा जयसिंह ने दरगाह के अंदर बेहतरीन नक्काशी की और एक चांदी का कटघरा बनवाया। इस कटघरे के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार है। अकबर ने दरगाह में चिराग दानों की छतरी भी बनवाई जो अब तक मौजूद है। दरगाह शरीफ में दाखिल होने वाला पहला दरवाज़ा निज़ाम गेट कहलाता है और उसे 1915 में निज़ाम हैदराबाद ने बनवाया। इसके बाद आने वाला छोटा दरवाज़ा जिसे शाहजहानी दरवाज़ा कहते हैं ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। दरगाह में 1891 में हैदराबाद के अमीर
पाएगा नवाब सर आसमान जहां ने महफिल खाना बनवाया, उसके सामने मौजूद धमाल खान में बनी छतरी का निर्माण 1911 में ब्रिटेन की रानी क्वीन मैरी ने बनवाई। दरगाह शरीफ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसी शख्सियतों ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर पहुंचकर इबादत की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।